खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा पर भड़का भारत। भारत ने कनाडा को सुनाई खरी खोटी। पीएम ट्रूडो को समझाया अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब। अब खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों को नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अभिव्यक्ति की आजादी हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ हमें कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है जिसको ध्यान में रखते हुए हमें खुद को व्यक्त करना होता है। लेकिन कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कर देते हैं, जैसा कि अभी कनाडा में चल रहा है और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। यहां तक कि भारत ने कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो को भी खरी खोटी सुना दी है और कह दिया है कि जस्टिस ट्रूडो जिस तरह से खालिस्तानी प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, ये वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला है, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला है, साथ ही आतंकवाद को जायज ठहराने जैसा है। चलिए अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर भारत ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को इतनी खरी खोटी क्यों सुनाई है। दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 4 जून को खालिस्तानी समर्थकों ने एक परेड निकाली थी। यह परेड 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी से पहले निकाली गई थी। परेड की एक झांकी में इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाया गया। झांकी के वीडियो में पगड़ी पहने हुए कुछ आदमियों को इंदिरा गांधी पर हथियार ताने हुए दिखाया गया। झांकी में दिखाए गए इस सीन के बाद एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था बदला। वहीं 3 दिन पहले सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले कनाडा में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर किल इंडिया लिखा गया था। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत अपूर्वा श्रीवास्तव पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी आरोप लगाया गया था। इन सब घटनाओं के बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कनाडा खालिस्तानियों का समर्थन करता है, ये भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत को गलत करार दे दिया और कह दिया कि कनाडा ने हमेशा हिंसा और धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया, हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की। कुल मिलाकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत को ही गलत करार दे दिया और खालिस्तानियों के प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जस्टिन ट्रूडो की कड़ी निंदा की। तो चलिए आपको खबर के अंत में अरिंदम बागची के उस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें उन्होंने कनाडा को खरी खोटी सुनाई है। ये पोस्टर्स का जो मुद्दा है बहुत सीरियस है, जिसमें हमारे डिप्लोमैट्स और हमारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के खिलाफ उनको वायलेंस के इंसाइड किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। हमने सब सरकारों से, चारों का नाम लिया, उनसे ये मुद्दे पे बात की है। कुछ जगह में कुछ इमीडिएट रिएक्शन हुए हैं, कुछ जगह में हम अपेक्षा करते हैं कुछ और या कोई रिस्पांस आए। जैसा मैंने कहा कि एक अटैक भी हुआ था और आर्सन अटेम्प्ट भी हुआ था हमारे कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में, वहां यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी हाई लेवल पे भी उसमें रिस्पॉन्ड किया है, उसमें एक्शन हो रहा है। हमने कनाडा के साथ भी इस मुद्दे को उठाया है और हमने स्टेटमेंट्स भी देखे हैं अभी प्रधानमंत्री ट्रूडो से, पर मुद्दा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है। मुद्दा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसमें आतंकवादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, इन पे अलगाववादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, या आतंकवाद को जो फैलाते हैं उनको सब समर्थन या मिल रहा है या मौका मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि वो और यूके में भी, हमने उधर भी हमारे यूके फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट देखा है, हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रहा है और क्या वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वहां पे पहले भी ऐसे एक इंसिडेंट हो चुका है और हम इस पे हम बहुत सीरियसली लेते हैं ऐसे अटैक्स या थ्रेट्स, और इसमें हम जो भी कार्रवाई करना है हम करते रहेंगे। और सिक्योरिटी के स्पेसिफिक मामलों पे मैं कहना नहीं चाहूंगा कुछ और, पर हम हमारी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी नजर बनाए हैं, कॉन्टैक्ट है लोकल अथॉरिटीज के साथ कि जो भी मेजर्स लिए जाने जरूरी हैं उसमें हम किस तरह से उनके साथ बात करके ये मेजर्स लगाए जा सकें।